Now children, let's move on to chapter number 56 and the name is Thomas Alva Edison. Here we are going to learn about Thomas Alva Edison, who is a well-known scientist. So let's find out other sides of the great scientist. इस साइंटिस्ट की लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं. कैन यू इमेजिन हाउ डिफरेंट लाइफ वॉज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ लाइट एंड फोन. क्या आपको पता है जब लाइट नहीं थी या फोन नहीं थे तो उस समय लाइफ कैसी थी? पीपल कुड कम्युनिकेट ओनली थ्रू लेटर्स. उस समय लोग सिर्फ लेटर भेज के ही एक दूसरे से बात कर पाते थे. विच कुड टेक वीक्स और इवन मंथ्स टू अराइव. जैसे जो है पहुँचने में कभी कभी हफ्ते और कभी कभी महीने लग जाते थे. फॉर लाइट पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स. पहले लोग जो है लाइट नहीं थी तो कैंडल और ऑयल लैम्प जलाते थे और उसमें ही वो अपने सारे काम करते थे. थॉमस एडिसन वॉज कॉल्ड अ विजर्ड बिकॉज ऑफ हिज मैनी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस. थॉमस एल्वा एडिसन को विजार्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके बहुत सारे इन्वेंशंस थे. ही क्रिएटेड मोर देन 1000 डिवाइसेस ऑन हिज ओन. इन्होंने अपने आप 1000 रो डिवाइसेस बनाई. हिज बेस्ट नोन इन्वेंशन इंक्लूड द फोनोग्राफ. इनके जो बेस्ट इन्वेंशंस थे उसमें से पहला है फोनोग्राफ, जो कि एक रिकॉर्ड प्लेयर है. अ लाइट बल्ब. लाइट बल्ब भी इन्होंने इन्वेंट किया. एंड अ मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर. मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर भी इन्होंने ही बनाया. थॉमस अल्वा एडिसन वॉज बॉर्न ऑन फेब्रवरी 11, 1847. सो ये जो है 11 February 1847 को पैदा हुए थे इन मिलान ओहियो. मिलान के ओहियो शहर में. ही एक्सपीरियंस हियरिंग लॉस एट अर्ली एज. इन्हें जो है बहुत ही छोटी एज में सुनाई देना कम हो रहा था. ही वॉज एन इमेजिनेटिव एंड क्यूरियस चाइल्ड. ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन करते थे और काफ़ी क्यूरियस थे. चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा बहुत थी इनके अंदर. ही डिड पुअरली इन स्कूल दो परहैप्स बिकॉज ही कुड नॉट हियर हिज टीचर. ये जो है स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि हो सकता है ये अपने टीचर को सुन नहीं पाते थे. हिज मदर देन एजुकेटेड हिम एट होम. इसकी इनकी मम्मी ने फिर घर पे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया. व्हेन थॉमस वॉज अ टीनेजर. जब थॉमस एक टीनेजर थे ही बिकेम अ टेलीग्राफ ऑपरेटर. तो उन्होंने क्या किया, वो एक टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए. टेलीग्राफी वॉज वन ऑफ द नेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम एट दैट टाइम. उस समय जो है टेलीग्राफी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी. थॉमस वॉज गुड एट सेंडिंग एंड टेकिंग मैसेजेस इन मोर्स कोड. थॉमस बहुत अच्छे थे कैसे जो मैसेजेस थे उसे मोर्स कोड में लेने और भेजने में. ही लव टिंकरिंग विद टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स. उन्हें टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रहना, उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था. एंड ही डेवलप्ड सेवरल इम्प्रूवमेंट्स फॉर देम. और इन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी लाए उसके अंदर. बाई अर्ली 1869 ही हैड क्विट हिज टेलीग्राफी जॉब टू बिकम अ फुल टाइम इन्वेंटर. 1869 में उन्होंने अपनी इस टेलीग्राफी की जॉब को छोड़ दिया और फिर वो एक इन्वेंटर बन गए. एडिसन वर्कड हार्ड विद साइंटिस्ट एंड अदर पार्टनर्स टू फिनिश प्रोजेक्ट्स. ये साइंटिस्ट और दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते थे. He built research laboratories at Menlo Park and West Orange. इन्होंने laboratories बनाई Menlo Park और West Orange में, जो कि New Jersey में है. Finally, Edison created companies that produced and sold the successful inventions. अब इन्होंने ऐसी companies बनाई जो क्या करते थे, ऐसे चीज़ों को बनाते भी थे और उसे बेचते भी थे. Although most of his life was devoted to his work, Edison's family was also important to him. भले ही इनकी पूरी लाइफ इन्वेंशन के नाम गई, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने इन्वेंट किया, अपने काम में बहुत मेहनत की, इसके अलावा भी उनकी फैमिली उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. He married twice and had 6 children. इन्होंने दो बार शादी की और इनके 6 बच्चे थे. एडिसन डाइड ऑन अक्टूबर 18, 1931 में इनकी डेथ हो गई.